हमारा संबोधन करे छात्राओं को है कि अगर वो यहाँ ना हो तो हमारी आवश्यकता नहीं है। संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश गांधी विभाग जी प्रोफेसर रमन चौधरी सामने बैठे मोदी जी हमारे बड़े भाई श्री कन्हैया लाल मिश्र जी जगदीश जी रघुवीर जी ने बड़े तारीफ कर दिया गलती से हमारी गलती है वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ और जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं वैसे मैं भी करता हूँ। शिक्षक जिस दिन चिंतन छोड़ देगा उस दिन उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। अभी राजेश जी बैठे हुए हैं संकाय प्रमुख हैं लेकिन कुछ कुछ न कुछ मन में चल रहा है। हो सकता है अगर इस समय वो सांगीतिक न हो एकेडमिक हो लेकिन दिमाग का कुछ न कुछ चल रहा है कि हाथ निकल के वहां जाएंगे वहां करके ये काम करेंगे वहां के काम करेंगे। ये व्यक्ति की दिनचर्या का एक अंग है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है खाली घर शैतान का डेरा। अगर दिमाग में कुछ सोचना नहीं है तो बेकार है। बनारस घराना हम इसको ऐसा करते रंग से देखिए अगर तीन चार की बात करें पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि तबले में जितनी भी रचनाएं बनी हैं जितना भी काम हुआ है वो सब तीन काल में ही हुआ है। तीन काल के अतिरिक्त और किसी काल में कोई काम नहीं हुआ है। 1950 के बाद जो थोड़ा बहुत अन्य कालों में काम हुआ है वो भी तीन काल से ही कैंची चला के किया गया। हमें ये बात कहने में कोई डर नहीं है। कोई एक भी एक ऐसा मौलिक रचना नहीं है जिसको कहा जा सके कि नहीं ये जब काल के लिए बना है या ये एक काल के लिए बना है या ये समाज के लिए बना है। तबले में जो भी बात आई है 1950 से पहले जब वो सर्वमत तीन काल के लिए था। तीन काल का सब लोग जानते हैं 16 माह का है और हम टुकड़ा को लेते हैं। टुकड़ा किसे कहते हैं? एक पूर्ण भाग का एक चौथाई जो होता है उसे हम टुकड़ा कहते हैं। अगर 16 मात्रे का 3 काल है तो उसका एक चौथाई कितना हुआ? 4 मात्रा। आज हमको तबला सीखे 44 से 45 साल हो गया है। आज तक तुम्हें कोई ऐसा तबला नहीं मिला 4 मात्रे को आज तक नहीं मिला। और अगर जो 4 मात्रे का टुकड़ा हुआ तो फिर मुखड़ा और मुखड़ा कहां जाए? अगर 4 मात्रा का टुकड़ा हुआ तो फिर क्या है? टुकड़ा वही 4 मात्रा हुआ ना। लोग बोलते हैं ये चक्करदार टुकड़ा है ये फरमाइशी टुकड़ा है ये साधारण टुकड़ा है तो वो तो जब भी सुनो तो 2 आवर्तन 4 आवर्तन 3 आवर्तन 5 आवर्तन तो होते हैं। जो सबसे छोटा टुकड़ा है दादा दादी नाना ये भी 16 मात्रे का है। वो सामने बचा हुआ है उनका अनोखे राजनीतिक परिवार में इस टुकड़े को इतना बढ़िया तरीके से बजाया गया है इसकी अनेकानेक प्रकार बजाए गए लेकिन वो भी मिनिमम
एक आवर्तन का है। लगी सबको मालूम हो गया, और बनारस में ही नहीं हर जगह लोग बजाते हैं और बहुत अच्छी तरह से बजाते हैं, ये भी एक आवर्तन का है। तो जब हम गणितीय रूप से इसको परिभाषित करते हैं तो टुकड़ा मतलब होता है एक चौथाई, एक अंग, एक अंश हो गया। लेकिन यहां पर जब हम गणितीय रूप से परिभाषित करते हैं और टुकड़ा के चलन को देखते हैं तो वो दोनों का तालमेल बन नहीं पाता है। ये बनारस की रचना नहीं है, ये रचना स्पेशली शंभू महाराज जी की है और उनका देहांत 47 में हो गया था। उसके पहले डांस में वो उनका बहुत भारी भरकम शरीर था, उसके बाद भी पैर उम्र के नीचे तक ताबे लेके निकालते थे, लेकिन बहुत अच्छी रचना थी इसलिए इसको सारे घराने वालों ने स्वीकार किया और सबको बजाया। आगे अगर देखा जाए तो भरत की संख्या 25-50 है जो लोग बजा रहे हैं, भरत की संख्या 150 है, लेकिन टुकड़े की संख्या बहुत कम है। जो प्रभु के आपसे सहमत है धनक तक घा बनारस भी बजा रहे हैं, जाकी साहब भी बजा रहे हैं, सब लोग बजा रहे हैं। निकल करता अतरक विनय नगदे तक घिनता घर भरना सारे घराने बजा रहे हैं। आप लोग इतना तबला सुनते हो, यूट्यूब और ये सब वैज्ञानिक सब कर रहे हो, आपको गते बहुत सुनने को मिलेंगे। ये फरुखाबाद की गत है, ये लखनऊ की गत है, ये बनारस की गत है, बहुत कम संख्या में टुकड़े सुनने को मिलेंगे। और जो टुकड़े सुनने को मिल रहे हैं वो भी ऐसे टुकड़े सुनने को मिलने हैं जो चार जगह बजाए जा चुके हैं, तो चार लोग उसको बजाते हैं। एक टुकड़ा हमारा वो मनुलाल जी ने बताया था, हमारे गुरु हैं, प्रारंभिक गुरु वही है, यहाँ पे उनके सुपुत्र राजेंद्र मिश्रा हैं। ये भी तो फिर उन्होंने इसका कम से कम 5-6-7 प्रकार बनाया, ऐसे भी बजा सकते हैं। मौलिक रचना धार बनना तत्ता तरीके तक तरीके तत्ता तरीके धार तरीके तत्ता तरीके धार तरीके धार, एक ऐसा टुकड़ा है बनारस का जो देशी सीखने वाला है वो भी इसको बजाता है और बड़े से बड़े कलाकार भी इसको बजाते हैं। और इसके कम से कम 12-14 प्रकार ऐसे हैं जो लोग बजा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया बजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मौलिक प्रकार है, लेकिन मौलिक प्रकार के बाद जो कलाकारों ने चिंतन किया है उस चिंतन से अन्य प्रकार जो निकले हैं उसके वो भी बहुत अच्छे हैं। बनारस के जो टुकड़े हैं वो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्व पर्व से प्रभावित है, परंतु प्रभावित इसलिए भी है कि बनारस का जब हम परन की बात करते हैं तो परन में किताब का नाता है, ठीक है, आप लोग किताबों में भी पढ़ोगे बुले बोलो मिलेंगे जब जाते हैं, और जिस घराने में किबला किबला वादन नहीं है वहां के खुला वादन में और परन में कोई अंतर नहीं होगा। अगर परुका ढंगल डांगल ढंगल डांगल गड़गल डांगल इन सब बोलों का प्रयोग बात करके बजा जाए लखनऊ बजा जाए बनारस में वो अंत ही है। कुछ ऐसे भी टुकड़े हैं क्योंकि बनारस की परंपरा में किसी ने उनको टुकड़ा कहा है तो किसी ने उसको मांगी कहा है, क्योंकि बनारस घराना जो है एक परंपराओं का संगम है, इस बात को हमेशा याद रखें, बनारस घराना परंपराओं का संगम होने के कारण बनारस घराने के ही दो कलाकार हैं लेकिन दोनों के वादन शैली में अंतर है। पंडित महाराज जी से पंडित किशन महाराज जी ने सीखा है और पंडित शारदा साहेब ने सीखा है, दोनों एक गुरु के शिष्य हैं, आप दोनों के तबला में कितना अंतर है आप देखो, हम अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बताओ कि उन दोनों के तबले में क्या समानता है। आप सब कुछ मास्टर के बच्चे बैठे हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर है, एक ही गुरु के शिष्य हैं दोनों लोग, दोनों लोग के तबले में कितना अंतर है। संजू साहेब ने शारदा साहेब ने सीखा है, उनका तबला उनका तबला अंतर है। तो संगीत जो विषय से जब हम सीखते हैं तो सीखने के साथ एक बात हमेशा अपने मन को बैठा लीजिए कि 50% तो आपको पारंपरिक शिक्षा में सीखना है और वो उसके बाद का 50% आपको अपने से करना है। दोनों लोग ने सीखा वही जो गुरु जी ने सिखाया है लेकिन उसके बाद का 50% किशन महाराज जी ने दिया तो उनका तबला डबल अंतर हो गया और 50% शारदा साहेब ने दिया उनका तबला डबल अंतर हो गया। दोनों का तबला घराना एक है, परंपरा एक है लेकिन वादन अनेका नेक है। तो टुकड़ा वो अगर बात कर रहे थे कि धार देने के लिए धागे देते धान धागे देते नाना देते घना देते घना थोड़ा कटक देते थे धागे देते कटक धान होता कटक धान होता कटक धान होता ये है। इसको लखनऊ में सीजन के लिए बजाते हैं किसको काम करके बजाते हैं। उन्होंने कहा कि हमको उस्ताद में जो है उठान करके बताया गया सीजन के भांजे हैं रविनाथ मिश्रा, उन्होंने भी कंटे महाराज जी से शुरुआती शिक्षा लिया है, बाद में अपने पिता के पंडित महाराज जी से सीखे जो यहाँ पे संदर्भकार थे बहुत दिन तक, वो कहते हैं ये टुकड़ा है बाबू ने हमको टुकड़ा कर बताया। ये रचना बनारस की है, यहां से गायब हो गई और ये रचना मिलती कहां है
गिरीश श्रीवास्तव के पिता बनारस की रचना है और बनारस के एक बड़े अच्छे विद्वान थे श्यामलाल मिश्रा जी जिनका उपनाम था छपा जी। वो थोड़ा सा दिमागी रूप से परेशान हो गए थे तो घूमने रहते थे। घूमने की प्रक्रिया में वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में लाल जी श्रीवास्तव ने उनको पढ़ा और उनको अपने घर रखा। साल दो साल उनसे तबला सीखा। वहां भी वो रचना उनके पास चली गई। आज हम उठाएंगे किताब का देखेंगे श्रीवास्तव से लिखा है वो तो जो है दिल्ली जाने का होगा।
आज के समय में लोग कितनी की तिहाई करते हैं, कितनी की तिहाई आजकल बहुत चल रही है, लेकिन ये रचना पुराना है, लेकिन उस पुराने समय में भी यहाँ भी गिनती है। इसका ये भी स्वरूप है और कम से कम ये पूरा 100-125 वर्ष पुराना है, लेकिन वहां पे इसको दर्शाया नहीं गया कि ये गिनती का टुकड़ा है, गिनती की तिहाई है। टुकड़े की संख्या कम है किसी भी घर में, बनारसी बात नहीं करते, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे फरुखाबाद हो, पंजाब हो, क्योंकि गन बस फ्लाइटिक पर हर जगह था। उसके बाद पंजाब में और फरुखाबाद में, बनारस में चक्करदार का चलन बहुत ज्यादा था। पंजाब वालों ने तो एक से एक मिलक और गणितीय चित्रकार शुरू कर दिया, अलंका का सबको समझे, तो टुकड़ों की संख्या कम है और शायद हो सकता है कि उसका नाम ही टुकड़ा है इसलिए उसकी संख्या कम हो। फर्क एक शब्द है, इसका उर्दू में इसको कहा जाता है फर्क, हिंदी में इसको एकड़ कहा जाता है और सामान्य भाषा में ये कहा जाता है कि वो ऐसी रचना है जिसका जोड़ा ना हो। क्योंकि पहले के कलाकारों ने हर रचनाओं का जोड़ा होना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने किताब में कहीं कहीं पढ़ा होगा जोड़े की गत, गत जो होता था वो हमेशा जोड़ा होता था। जो गत बनाया गया ये एक ऐसी रचना थी जिस जो थी तो गत के समानांतर गतिकरण ही तरह खुली मुंडी का भी प्रयोग होता था। जैसे फरुखाबाद की गत है धा घिनक घिनक धाकड़ी लगी खुली मुंडी हुआ धा घिनक घिनक धाकड़ी घिनक धाकड़ी। उसी तरह भरत ने खुली और मुंडी दोनों, लेकिन गत से अलग ये हो गया कि हर बने उसका एक पहचान, एक बोल समुदाय लगाने का परंपरा हो गया कि इस हर एक अंक में तिरकिर तक्का धर धा लगना जरूरी है। अगर तिरकिर तक्का धर के धा नहीं लग रहा है तो वो भरत नहीं। इसके जो भी बोलो उन बोलों के साथ साथ उनका जैसे धा देते देते धागी देते घरान धागी देते देते प्रधा देते घेना देते घेना धूना धागे देता देते प्रधा देते देते धागे दे धागे दे धागे न धागे न इसलिए बता रहे हैं कि ये भरत सबको मालूम है, सब घराने वाले को मालूम है, लेकिन भरत की विशेषता ये भी है कि ये भरत की न
काम जो है घर है और उनकी जो विशेषताएं हैं उसको ये जो है दर्शाता है कि हाँ उनकी बुद्धि दोनों है, निर्दयता का प्रयोग भी है। कुछ ऐसे बनारस में और पक्की भी रचनाएं की गई हैं जिसमें निर्दयता निर्दयता का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विद्वानों ने उसको भर्त नहीं माना। विद्वानों ने कहा कि ये भर्तीगत है, ये भर्त है, भर्तीगत है, ये भर्त नहीं है। इसकी शैली भर्त की है लेकिन ये शैली आएगा दत्त। जैसे एक भर्तीगत हम बता रहे हैं, पहले भरत समझ में तब तो समझ में आएगा, इसी से मिलता मिलता है। लेकिन उसको उस समय की उद्वानों के कारण नहीं फल क्योंकि त्रिवेद का हृदय के धारा पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसलिए इसको भरत नहीं माना गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये फर्क नहीं है, ये फर्क नहीं करता है। इसका भरत का स्वरूप है बाद में अंत इसका जो है नहीं है, इसलिए इसको फर्दीगत बताया गया है। धागे देते थे, धागे देते घड़ा, सबको पता है इसका एक जोड़ा है। अब यहां फिर कर रहे हैं कि जोड़ा है, भरत की पहली परिभाषा है कि जो बेजोड़ हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, ये उसका प्रकार है। पहले हम धा देते देते धागे देते घड़ान, धागे देते देते प्रधा देते घेना देते घेना दूना खाते खाते देते प्रधा देते देते धागे देते धागे देते धागे में धागे में धागे में धागे में धागे अंत में वो हर कोई जो पहचान है वो आ गई त्रिपिता। अगर ये न लगे तो मुझे भर नहीं करेंगे हम, मतलब बना ध्यान वाले उसको भर नहीं कहेंगे, उसको गलती से सुनाएंगे। एक लिखो महाराज जी की भर भर जो पहचान है वो इसमें गायब है, लेकिन उसके बावजूद किसको किसको गर्त करते हैं फिर से सुन लीजिए। अब तो बहुत सी फर्दें उपलब्ध हैं, बहुत सी फर्दें लुप्त हो गई, बहुत सी फर्दें हैं तो लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उड़ान की फरत, मीण की फरत, दोहरी फरत, इस सब ऐसे अनेकानेक रचनाएं की।
उड़ान की वरद है ना आते ढकते ढकना ढकते उन्होंने जो गिदिन लगाया है, गिदिन की जो स्टाइल थी, वहां पे उसको उड़ान की वरद का नाम दिया है। और सामान्यतः भरत एक आवरण का ही गर्द, और भरत में यहां पे बोली का अंतर यही है कि गर्द दो दो चार चार आवरण के भी होते हैं, लेकिन भरत एक आवरण का ही होता है। समाधि का हम ये नहीं करें कि एक आवरण सदी का नहीं होता है, लेकिन 85% 90% आपको एक आवरण का ही मिलेगा। लेकिन उस एक आवरण में दोनों को निचोड़ देता है। और जो भोलों का लगाव होता है, भोलों का लगाव जो होता है, वो भरत का भाषण है। कहीं आपको शांति नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं इसमें ढाल का। जो बोल का संयोजन है वो इस तरह से किया गया है, बीच बीच में आपको विश्रांति नहीं मिलेगी। उसका सौंदर्य बना हुआ है। क्योंकि भरत को समझने के लिए जहां तक ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, गुरु जी मेरा विचार है, भरत को समझने के लिए गत को समझना बहुत जरूरी है। गत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गत को समझ रहे हैं तो गत को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये ऐसी रचना है बनारस घराने में जिसका संबंध सीधे पंडित राम साहिब में से नहीं था। भरत रचना बैजू जी ने शुरू की, वो राम जाहे श्याम साहिब जी के शिष्य थे और बहुत बलशाली व्यक्ति थे। उन्होंने इसको बनाया और बनाया। ये क्योंकि जब भरत बना उसके पहले गद का निर्माण हो चुका था, गद बजना शुरू हो गया था और हाजी साहब हाजी मिलाकर के खान साहब कि गदे धीरे धीरे तबला वादक के क्षेत्र में बजनी शुरू हो गई। तो हमें कहने में कोई कोई नहीं है कि अगर जो हम भरत की पृष्ठभूमि देखें तो भरत की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं गलत आ जाता है।
सीखते हैं, वर्ग को पढ़ने के लिए, वर्ग को समझने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए वर्ग का बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है। तत्व भी कोई बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है आजकल लिखा हुआ है। समझना जरूरी है किन किन बोलों का प्रयोग होता है। धीरे 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 तक प्रयोग नहीं होता है। बनारस में धीरे 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 तक बहुत बजाते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं होता है। धीरे 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 तक का ही एक प्रकार यूज होता है, लेकिन धीरे 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 तक नहीं यूज होता है। तो क्या होता है मन वहां से